हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है एल्बेंडाजोल दवाई पर, जो कि पेट के कीड़ों के लिए दी जाती है। आज इस दवाई की हम पूरी जानकारी देखेंगे, कब कब इसको उपयोग में लिया जाता है, इसके बाद इसके काम करने का तरीका क्या है, किस किस फेमस ब्रांड नेम से अवेलेबल है, किस डोज स्ट्रेंथ में मिलती है, लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किन किन दवाइयों को इसके साथ लेने से बचना है और कब किस बीमारी में हमें ये नहीं लेना है इस दवाई को, तो हम ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी तरह के वीडियो आपके पास आते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एल्बेंडाजोल दवाई के उपयोग देख लेते हैं। एल्बेंडाजोल जो दवाई है वो एंटी हेलमिंथेटिक दवाई है, यानी कि एंटी वॉर्म मेडिकेशन है। ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है, प्राइवेट मेडिकल स्टोर में भी मिलती है और ये गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलती है, आंगनवाड़ी में भी दी जाती है बच्चों को देने के लिए। ये जो दवाई है उसका काम है कि जब पेट में कीड़े हो जाते हैं या आंतों में किसी तरह के कीड़े हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए ये उपयोग में ली जाती है। जब कोई खाना खाता है और उसको खाना लगता नहीं है बॉडी को, इसका मतलब है कि वो पेट दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि उसका जो खाना है वो कीड़े खा जाते हैं, इसलिए उसकी बॉडी में लग नहीं रहा है, तो उस केस में ये एल्बेंडाजोल दवाई दी जाती है। एल्बेंडाजोल दवाई के काम करने का तरीका देख लेते हैं। ये जो दवाई है एल्बेंडाजोल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथेटिक दवाई है। इसका काम है कि ये इनहिबिटरी इफ़ेक्ट देती है ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन पर और ये जो कीड़े होते वॉर्म उनको मारने का काम करती है। एल्बेंडाजोल जो दवाई है उसके हम कुछ फेमस ब्रांड नेम देख लेते हैं। इसकी टेबलेट 200 और 400 mg में अवेलेबल है। फेमस ब्रांड नेम है इसका एक्स वॉर्म जो कि सिप्ला कंपनी बनाती है। इसके बाद है बेंडी, जो फेमस ब्रांड नेम है वो मैनकाइंड कंपनी बनाती है। जेंटल एक दूसरा ब्रांड नेम है, ये एक च्यूएबल टेबलेट में आती है। इसके बाद है कैडिला की आती है एल्बेंडाजोल टेबलेट 400। इसके बाद है एल्डीजोल, ये भी एक ब्रांड नेम है। इसके बाद है एल्डीजोल का 10 ml में सस्पेंशन भी आता है, ओरल सस्पेंशन जो कि बच्चों के लिए होता है। एल्बेंडाजोल दवाई के डोज क्या हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो डोज है वो 400 mg होता है। 2 साल से बड़े लोगों के लिए हमेशा 400 mg का ही डोज होता है। इसके बाद अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो उसको 200 mg उसका डोज होता है देने के लिए। ये सस्पेंशन फॉर्म में आता है बच्चों का, 10 ml सस्पेंशन में 400 mg एल्बेंडाजोल होती है। अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो आप उसको 5 ml पिला सकते हैं। इसके बाद जो एडल्ट डोज है 400 mg होता है। इसका जो डोज है वो 15 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, पर डे के हिसाब से इसको 2 डोज में भी डिवाइड करके दिया जा सकता है। एल्बेंडाजोल दवाई के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो देख लेते हैं। कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हेडेक, नेक स्टिफनेस, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन हो सकता है, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट हो सकते हैं, डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकता है, टेम्परेरी हेयर लॉस हो सकते हैं, तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की, किसके साथ जो दवाइयां हैं वो नहीं लेनी चाहिए। डेक्सामेथासोन अगर आपकी चल रही है, सिमेटिडीन, तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बताएं इसके साथ लेने से बचें। वैसे एल्बेंडाजोल की कोई सीवियर इंट्रैक्शन नहीं है कोई अदर दवाई के साथ। एल्बेंडाजोल दवाई के कंट्राइंडिकेशन यानी कि किस बीमारी में हमें ये नहीं लेना है, तो अगर आपको ब्लड डिसऑर्डर्स है जिसको पेन साइटोपेनिया बोलते हैं, जिसमें कि ऑल टाइप की जो ब्लड सेल होती है वो कम होती है, तो इस तरह की बीमारी में नहीं लेना है। अगर एनीमिया है किसी तरीके का या लो ब्लड काउंट है जिससे कि बोन मैरो फेलियर हो सकता है, तो इस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद है अगर वाइट ब्लड सेल है उसका काउंट भी कम है, मतलब कि न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम है, तो भी नहीं लेना चाहिए। लीवर प्रॉब्लम है किसी तरह की, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट है या प्रेगनेंसी है, तो आपको इस तरह की कंडीशन में ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए।